ये एक जगह रुके हुए थे इसको, तो ये वहाँ धक्का दे के इनको वहाँ से निकल। इसको हमने कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पे लिया था 3 दिन के। इसमें पहले 5 लोग अरेस्ट किए थे, तो सहारनपुर जेल से हमने प्रोडक्शन वारंट पे प्रवीण कुमार के आरोपी को लिया था। ये सहारनपुर का 25,000 का नामी था और ये हमारे पास जब प्रोडक्शन वारंट पे आया तो 16 तारीख को हमने इसका रिमांड लिया था और ये देहरादून से पुलिस को चकमा दे के फरार हो गया और ये पुलिस कस्टडी से भाग गया था। उसके बाद इस पर हमारी टीम लगातार काम कर रही थी, इंस्पेक्टर सोमगीर के नेतृत्व में और SI दीपक कुमार उसको लीड कर रहे थे, हेड कॉन्स्टेबल रवीश कुमार, हेड कॉन्स्टेबल सुनील कुमार, और इन्होंने इस आरोपी को कोलकाता चिंगारी से इसको गिरफ्तार किया। तो सर क्या यहाँ की क्या इन्वॉल्वमेंट है पंचकुला की, क्योंकि जो शिकायत करता है वो चंडीगढ़ से है और जो ये लोग हैं सब सालगढ़ से। ये जो इसके बारे में जो भी बातचीत हुई है वो यहाँ अपने पंचकुला के ज्यूरिडिक्शन में हुई है, रेड जी, तो इस ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से मामला यहाँ का। तो जमीन कितनी थी सर, क्या बताया गया, क्योंकि ये भी जानकारी मिल पा रही कोर्ट से, कुर्क जमीन थी जो बेचने की कोशिश की थी। हाँ, ये सरसावा की जमीन थी, कुर्क को रखी थी और ये 72 बीघे जमीन थी, तो उसके बाद इन्होंने फिर आगे इसका बयाना किया। सर किस राज्य से भागा था पुलिस कस्टडी से? ये पुलिस कस्टडी से देहरादून से ये फरार हुआ था और हम लगातार इसको 1.5 महीने से वॉच कर रहे थे और इसको हमने मतलब हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन थी और हमने इसको कोलकाता से अरेस्ट किया। तो सर कुल 6 लोग ही थे इस सारे मामले में, धोखाधड़ी के मामले में, और लोग भी शामिल? नहीं, अभी 1-2 लोगों की और इन्वॉल्वमेंट है, अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है मामला, अभी है इसमें कुछ और लोग, आगे जैसा भी इन्वेस्टिगेशन है। तो जो 1.5 करोड़ रुपए लिया गया था, ठगा गया था, क्या सर वो रिकवर हो पाया अभी? उसमें अभी तो इस आरोपी से तो कोई रिकवरी नहीं हुई है अभी, इसमें पहले मतलब ऑलरेडी जो है पहले इसमें मामले में रिकवरी हुई है, तो अभी चल रही है इन्वेस्टिगेशन है। जो इनामी बदमाश जो गिरफ्तार किया गया, ये करता क्या था? ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, लोगों को ठगता था। हाँ, लोगों को ठगी का काम करता है। कितने सालों से कर रहा है ये? कई सालों से कर रहा है। बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड तो ये 10th फेल है ये। सहारनपुर के भी मामले हैं इसी तरह? जी सर, क्या इनाम रखा? इसमें जो ये सहारनपुर का 2 इनामी था, ये 25,000 का इनामी था और हमारे यहाँ भी इसके इनाम का प्रोसेस चल रहा है, तो अभी वो मतलब अमाउंट डिक्लेयर नहीं है, तो यहाँ का भी इनामी है। ये यमुनानगर छछरौली का गनोली गेट का रहने वाला है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।